नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इजी एंड हेल्दी के सेशन में। आज मैं आपके साथ आलू गोभी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन रेसिपी से पहले हम थोड़ा सा गोभी के बारे में बात करेंगे। गोभी सरसों वर्गीय जो परिवार है उसकी एक सब्जी है। बेसिकली सीरिया और स्पेन से संबंध रखती है। ओरिजिनली ये सीरिया और स्पेन की एक सब्जी है और 16वीं शताब्दी में ये पूरे यूरोप में उगाई जाने लगी और इसके जो न्यूट्रिशनल फैक्ट थे वो काफ़ी अच्छे थे। इसमें काफ़ी सारा विटामिन सी पाया जाता है। अगर आप एक कप गोभी पर डे कंज्यूम करते हैं तो जो आपका पर डे का विटामिन सी का जितना रिक्वायरमेंट है वो उस एक कप से पूरा हो जाएगा। आपको कुछ और विटामिन सी के लिए खाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से इसमें और भी बहुत बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एंटी कैंसरस है और बाकी की सब्जियों की तरह बहुत पंजेंट टेस्ट नहीं होता है, थोड़ा मीठा टेस्ट होता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और हमारे देश में जो गोभी है वो 18वीं शताब्दी में पहुंची अंग्रेज़ों के साथ और उसके बाद ये धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाई जाने लगी। इसने हमारे यहाँ के वातावरण को आसानी से अडॉप्ट कर लिया और हमारा देश गोभी और ब्रोकली में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो जो ये आलू गोभी की सब्जी है, मुझे लगता है कि सारे ही तरीके के कॉम्बिनेशन में आसानी से चल जाती है। चाहे आप इसे पूरी के साथ बनाइए, पराठे के साथ बनाइए, रोटी के साथ बनाइए। और इसी वजह से आलू गोभी हर तरीके के फंक्शन में बनाई जाती है। छोटे से छोटा त्यौहार हो उसमें भी आलू गोभी बनाया जाता है और कोई बड़ा फंक्शन हो या शादी हो तो उस मेन्यू में भी आपको आलू गोभी जरूर मिलेगी। तो देखते हैं आलू गोभी को किस तरीके से बनाया जाए और इसे कितने कम इन्ग्रीडियंट के साथ हम परफेक्टली बना पाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की ओर। ये आलू गोभी बनाने के लिए हम लेंगे 4 कप गोभी और 2 कप आलू। इसको हमने इस साइज़ में काट दिया है, ऑलमोस्ट दोनों सेम साइज़ में हैं और ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं काटे हैं, आप इसे थोड़ा सा छोटा ही रखिए। और जो ये गोभी है ये एक ऐसी सब्जी है कि बनने के बाद श्रिंक नहीं होती है, तो एक्चुअली जो आपको यहाँ पे अभी साइज़ दिख रहा है जितना, ये उतनी ही रहेगी। तो उस हिसाब से आप इसको थोड़ा जज कर सकते हैं कि आपको कितने लोगों के लिए सब्जी चाहिए, तो आपको कितने कप लेना होगा। अब हम इसके लिए एक बड़ा सा प्याज लेंगे और 2 टमाटर, थोड़ा सा अदरक और ये लहसुन। आप इसे देखिए और इमेजिन कीजिए कि अगर ये क्रश हो जाएगा तो लगभग 1 टीस्पून के बराबर बन जाएगा। तो मैं कभी भी पिसा हुआ लहसुन अदरक स्टोर नहीं करके रखती। मेरे को जब भी इसे यूज़ करना होता है तो मैं थोड़े से टमाटर के साथ, ऑलमोस्ट आधे टमाटर के साथ, जिसमें ये प्रॉपरली ग्राइंड हो जाए उतने टमाटर के साथ इसे पीस लूँगी और इसका एक पेस्ट बना लूँगी। ये एक छोटी कटी हुई हरी मिर्च। इसके अलावा हमें कुछ मसाले चाहिए। ये हमने 1 टीस्पून नमक ले लिया, वैसे नमक हम स्वादानुसार लेंगे। और उसके अलावा हम इसमें 2 टीस्पून फुल हीप भरा हुआ एकदम हरा ये धनिया पाउडर लेंगे। थोड़ा सा और डाल लेते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये कश्मीरी चिली है, कश्मीरी मिर्च तीखी नहीं होती है इसलिए मैं 1 टीस्पून के लगभग इसमें डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप कोई तीखी मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली अपने स्वाद के अनुसार इसे डालिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से 3/4 टमाटर के साथ ये लहसुन और अदरक ले लिया है और अब हम इसको फाइनली ग्राइंड करेंगे। ये हमने इतना कम टमाटर इसलिए लिया है कि हम इसको जल्दी से रोस्ट कर पाएँ और इसका जो रॉ टेस्ट है वो पूरी तरह से चला जाए। जब वो वाला स्टेप हो जाएगा उसके बाद आप बचा हुआ टमाटर ग्राइंड करके इस मसाले में मिला लीजिए। हम इसमें 30 ml के लगभग तेल लेंगे। और इसके गरम होने पर इसमें 1/2 टीस्पून
जीरा डालेंगे हाफ टी स्पून, साथ में ये दालचीनी पत्ता एंड कटी हुई हरी मिर्च। इसके बाद ये बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे। और इसको थोड़ा नरम होने तक भूनेंगे। इसे जलाना नहीं है, डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसका पानी निकल जाए इसे इतना नरम करना है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा ड्राई जिंजर पाउडर या अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये देखिए इस मसाले से तेल पूरी तरह से छूट चुका है और इससे जो रॉ अदरक और रॉ लहसुन की जो खुशबू थी कच्चे लहसुन अदरक की वो भी पूरी तरह से चली गई है। तो अब हम इसमें ये जो हमने मसाला ऐसे भिगा के रखा था नमक मिर्च धनिया हल्दी इसको डाल देंगे। बचा हुआ टमाटर बिना लहसुन अदरक वाला ये भी इसमें डाल के अच्छे से भून लेंगे। ये बाकी का टमाटर भी इसमें अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं इसमें तेल दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम ये जो कटी हुई सब्जी थी इसे मिला लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसको मिलाने के बाद इसमें ढक्कन लगा देंगे लेकिन इसमें पानी नहीं डालेंगे। इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो वैरायटी टू वैरायटी मैटर डिफर करता है। कई बार गोभी अगर बहुत दिनों की रखी हुई है तो भी वो ड्राई हो जाती है, लेकिन अगर फ्रेश गोभी है या कोई ऐसी गोभी है जो काफ़ी मॉइस्ट है तो उस केस में आपको बिल्कुल पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए हम थोड़ी देर इसे वेट करेंगे और जज करेंगे कि कितने पानी की ज़रूरत है। इसे ऐसे पकते हुए 4 मिनट हो गए हैं और बहुत थोड़ा सा इसमें से मॉइस्चर निकल के आया है। तो अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 30 ml के करीबन हम इसमें पानी डालेंगे। अगर हमें आगे चल के आलू नहीं गले या गोभी नहीं गले तो हम थोड़ा और पानी डाल सकते हैं। इस सब्जी को ऐसे बनते हुए 8 मिनट हो चुके हैं, हम इसे एक बार और स्टिर कर देंगे। इसे बीच बीच में ऐसे ही 8-10 मिनट के बाद हिलाते रहिए तो ये इस पर चिपकेगी नहीं। इसे इस तरीके से पकते हुए पूरे 14 मिनट हो चुके हैं और इसके जो इसमें हमने पानी डाला था वो भी पूरी तरह से सूख चुका है और इसमें तेल आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे तेल सा दिखाई देने लगा है पर बहुत ज़्यादा तेल नहीं है।
क्योंकि यही घर में बनाने की एक सबसे खूबसूरत बात है कि आप खाने को ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं और आप इसमें सारे मसाले और तेल ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा मानना है अगर आप बहुत ज़्यादा तेल या मसाले किसी खाने में डालते हैं तो आप जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है उसका स्वाद पूरी तरह से नहीं इंजॉय कर पाते हैं, तो इसीलिए कम से कम तेल इस्तेमाल कीजिए। इतने तेल में भी खाना अच्छे से बन जाता है। अब हम एक आलू ऐसे निकाल के इसको फोक से प्रेस करके चेक करेंगे कि ये गला कि नहीं गला। ये गल गया है, थोड़ी सी ज़्यादा ताकत लग रही है लेकिन फिर भी अगले पाँच मिनट में ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें 1/4 चम्मच के लगभग गरम मसाला डाल लेंगे। ये घर का बना हुआ गरम मसाला है तो काफ़ी तेज है और काफ़ी फ्रेग्रेंट है, इसलिए मैं बहुत कम ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके पास बाज़ार का गरम मसाला है जो थोड़ा सा माइल्ड है तो आप उसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। ये इसको इस तरीके से बनाते हुए पूरे 17-18 मिनट हो चुके हैं और ये पूरी तरह से तैयार है। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें गोभी के फूल और आलू पूरी तरह से हार्ड हैं, ये मैश नहीं हुआ है। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मैंगो पाउडर भी मिला सकते हैं, पर ऑलरेडी इसमें इतना टमाटर डाला हुआ है तो काफ़ी खट्टा है ये, बहुत थोड़ा सा मैंगो पाउडर इसमें डाल रहे हैं। तो आलू गोभी की सब्जी अब तैयार है, आप इसे सर्व कर सकते हैं पराठे या पूरी या रोटी के संग। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने आलू गोभी को बनाया और किस तरीके से हमने इसमें सारे मसाले बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किए और तेल तो बहुत ही कम इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इससे ज़्यादा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी हमेशा एक प्रायोरिटी रहती है कि कम से कम तेल में खाना बनाया जा सके ताकि वो ओवर फैट ना हो जाए, उसमें ओवरलोडेड ना हो जाए फैट से। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये गोभी को जितने खूबसूरत तरीके से हम बनाते हैं शायद इसीलिए ये सबसे ज़्यादा प्रचलित सब्जी है पूरे विश्व में। उतना किसी भी यूरोपियन रेसिपी में गोभी को इतना फैंसी नहीं किया जाता होगा, उस जनरली ये लोग इसे सलाद की तरह खाते हैं या इसको चीज़ में बेक करके खा लेते हैं, इसीलिए लोगों को आलू गोभी बहुत पसंद आता है और सभी को ये पता होता है कि आलू गोभी क्या है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बनाएंगे और अपने जो भी अनुभव हैं मेरे साथ शेयर करेंगे। अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा। तो फिर से मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।